अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें बहुत सारे स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, इनफैक्ट आपके फ़ोन में भी एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है। सोचिए अगर आपकी लाइफ में स्पीकर्स ना रहे तो कैसा होगा? ना कोई म्यूज़िक होगा, ना कोई इंटरटेनमेंट होगा, ना यूट्यूब होगा, ना कुछ भी होगा। इंटरटेनमेंट तो बहुत बोरिंग हो जाएगी बिना म्यूज़िक के। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि स्पीकर्स कैसे काम करते हैं। अगर हम स्पीकर्स के अंदर झांके तो हमें मेन तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक होता है मैग्नेट, एक होता है उसके अंदर लगा हुआ एक कॉयल, और एक होता है डायफ्राम जो कि वाइब्रेट करके हमारे कानों तक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है और जिसे हमें सुनाई देती है। तो चलिए बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो एक जो मैग्नेट होता है वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है, और उसके अंदर जो कॉयल रहती है उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी जब उस पर पास की जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह रिएक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जब हम कम ज़्यादा वोल्टेज डालते हैं, उस पर ऑन ऑफ करते हैं या फिर रिवर्स करंट पास करते हैं, तो वो वाइब्रेट करने लगता है। तो उस वाइब्रेशन को वो कॉयल तो वो डायफ्राम में ट्रांसफ़र कर देता है, और उसके बाद वो डायफ्राम वाइब्रेट करने लगता है। तो उस वाइब्रेशन से साउंड वेव्स क्रिएट होती है, और वही साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें म्यूज़िक सुनाई देती है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीकर्स कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।